मेरी हत्या कर सकते हैं, ये मेरी हत्या कर सकते हैं, ये किस तरह मैं जाता हूँ, ये मेरी हत्या कर सकते हैं, ये मेरी हत्या कर सकते हैं। मैं वहाँ से एक कदम वहीं बैठ जाऊंगा। सुन लीजिए, आइए प्लीज, बदतमीजी कर रहे हैं, हाथ पीट कर रहे हैं मेरे साथ, आइए प्लीज, मेरा कोई हाथ नहीं जाइए, नहीं छुपा यार, नहीं छुपा, मैं नहीं जाऊंगा, आइए आप उठा के लेकर, आइए मैं नहीं जाऊंगा, आपका हाथ आइए, मैं नहीं जाऊंगा, आप उठा के लेकर, आप मेरे मेरा तो ये किया है, आप आइए, अरे तो क्यों आवा पे कहने पे, आप इधर पता कर रहे हैं, आइए इधर, आप आइए प्लीज, और कहाँ नहीं जाओगे, आप आइए, और कहाँ नहीं जाओ, आप आइए, आप आइए, आप आइए कर रहे हैं, आप आइए, चलो चलो चलते हैं, आप आइए कर रहे हैं प्लीज। देखिए साथियों, मेरे साथ कुछ भी होता है योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे, योगी आदित्यनाथ, मैंने कोई गलत नहीं किया है, सिर्फ रंजिशन ये काम किया गया है, मैंने बिल्कुल सही काम किया है, छह चोटें आई हैं, मुझे छह चोटें आई हैं, वो सारा रिकॉर्ड पे है, मेडिकल रिकॉर्ड पे। इसे वक्त का उलटफेर कहें या कुछ और, कि जिस आईपीएस को कभी पुलिस कर्मी सैल्यूट करते थे, आज उसी आईपीएस को सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर जबरन बदसलूकी के साथ गाड़ी में ठूंसते नजर आ रहे हैं। मुझे छह चोटें आई हैं, मैं बताना चाहूंगा, मेरे पांव में चोट है, मेरे चश्मा का दोनों शीशा टूट चुका है, मेरे चश्मा का दोनों शीशा टूट चुका है, अभी धक्का दे रहे हैं, ये धक्का दे रहे हैं, ये धक्का दे रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, एक पूर्व आईपीएस के साथ ऐसा बर्बरता पूर्वक बर्ताव कहीं ना कहीं सत्ता की हनक को दिखाता है। सरकार द्वारा जबरन रिटायर करने के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जब से यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है, तब से इस आईपीएस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर नई मुसीबत में फंस गए हैं। संयुक्त जांच समिति ने अपनी अंतरिम जांच आख्या में पीड़िता और उसके सहयोगी गवाह श्री सत्यम प्रकाश राय को आत्मदाह हेतु दुष्प्रेरित करने तथा अन्य आरोपों में श्री अतुल राय सांसद एवं श्री अमिताभ ठाकुर सेवानिवृत्त आईपीएस को प्रथम दृष्टया दोषी पाया और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने की संस्तुति की। उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में यूपी पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर कहते नजर आ रहे हैं, यह लोग मेरी हत्या करवा सकते हैं। अमिताभ ठाकुर ने बयान में कहा कि योगी के इशारे पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला वाराणसी से जुड़ा है। वाराणसी में एक लड़की ने बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद 2020 में सांसद अतुल राय के भाई ने लड़की के खिलाफ धोखाधड़ी और ब्लैकमेल करने का केस दर्ज कराया था। तब लड़की ने फेसबुक लाइव आकर कई पुलिस वालों पर मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। बलात्कार पीड़िता जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा पीड़िता नहीं बल्कि चरित्रहीन साबित किया गया तरह तरह से, सिर्फ एक हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने के लिए, जिसमें तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक, नरही के तत्कालीन टीबी सिंह, सीओ अमरेश सिंह, दरोगा संजय राय, उसका बेटा विवेक राय वत्स, आईजी अमिताभ ठाकुर और अब वर्तमान जज एमपीएमएलए कोर्ट प्रयागराज के आलोक श्रीवास्तव, इन सारे